अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहसिन लिकरोड और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कुरर स्पोर्ट्स। दोस्तों आज मैं आपको आईपीएल के बारे में मैच नंबर 7 के बारे में मालूमात शेयर करना चाहता हूं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल जो है ना वो आपस में मुकाबला होंगी। 7वां मैच है आईपीएल का ये सीज़न का, और इसमें अब जो पॉइंट टेबल की पोजीशन है वो उसमें भी रद्दबदल हो सकता है। पहले 2 मैचेस खेलने के बाद राजस्थान इस टाइम टॉप पे पोजीशन पे है, 2 मैचेस खेलने के बाद 2 जीत चुका है, और सेकंड नंबर पे दिल्ली कैपिटल्स है जिन्होंने 1 मैच खेला और 1 जीता है, वो नंबर 2 पे हैं, और थर्ड पे जो है मुंबई इंडियंस है, 2 मैच खेलने के बाद 1 जीता 1 हारा, और नंबर 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे हैं, और चौथे नंबर पर केकेआर किंग्स इलेवन पंजाब है, और 5वें नंबर केकेआर है, उन्होंने भी 1-1 मैच जीता है। और आज दिल्ली कैपिटल्स अगर मैच जीतता है, इनकी एवरेज अच्छी है तो एवरेज अच्छी से जीतते हैं तो ये टॉप पोजीशन हासिल कर सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए भी अच्छी चीज़ है कि वो अगर मैच ये जीतते हैं तो वो अपनी पॉइंट्स टेबल का खाता खोल सकते हैं और तीसरी या चौथी पोजीशन पर आ सकते हैं। एवरेज के उनकी इतनी बुरी नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें कि हर आने वाली न्यू वीडियो और बेल आइकन के ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों आज राजस्थान रॉयल्स के और मुंबई राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान ये आईपीएल का 7वां मैच खेला जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ स्टार्स मुख्तलिफ टीमों में शिखर धवन ऋषभ पंत और डूबी और जोश बटलर हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, और स्टीव स्मिथ है, उसके बाद क्रिस वोक्स हैं, उसके बाद जो साउथ अफ्रीका के नॉर्टी जी हैं वो हैं, क्रिस रबाडा हैं राजस्थान रॉयल्स के, और एंड्रयू टाई है ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलर हैं, और उसके बाद दूसरा जो है दिल्ली कैपिटल्स उसमें है शिखर धवन है, संजू सैमसन है, सैम बिलिंग्स है, उसमें दूसरे डोबी उनके ऑलराउंडर हैं इंडिया के, मुख्तलिफ स्टार उसमें भी हैं, उनको 2 राजस्थान रॉयल्स को तो 2 खिलाड़ियों का बहुत बड़ा धचका लगा है, जो फराज ऑपरेशन की वजह से वो भी आईपीएल से बाहर चुके हैं, और दूसरा उनका बेन स्टोक्स की इंजरी की वजह से वो भी आईपीएल के सीज़न से बाहर हो चुके हैं, उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई है जिसके बाद वो बाकी आईपीएल के मैचेस से बाहर हो चुके हैं। राजस्थान को 2 बड़े स्टार का धचका लगा है, लेकिन फिर भी उनके पास अच्छे स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं और वो अच्छा फाइट करेंगे इस सीज़न में, और ये आईपीएल के इस सीज़न में काफ़ी अच्छी टीमें तश्कील हुई हैं और ये अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। हर टीम एक दूसरे से अच्छी टीम है और जीतने के लिए टीम जाती है, और ये क्रिकेट है, क्रिकेट टी ट्वेंटी फॉर्मेट, एक दिन जिसका अच्छा होगा वो टीम जीत जाएगी। कल का मैच देखा तो आप देखें 149 रन का टारगेट, इंडियन पिचेस पे इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन फिर भी राजस्थान ये जीत गया और 143 रन पर दूसरी टीम को ने कंट्रोल कर लिया। तो ये क्रिकेट है, क्रिकेट में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, और आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।